ॐ पितृभ्यो स्वधायेभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः, प्रपितायेभ्यो स्वधायेभ्य स्वधा नमः, अखन्न पितरो मीमे दन्तः, पितरो इति तर्पयन्तः, पितुरः सुनधा द्वयं मह। ॐ पितृभ्यो नमः। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत फेसबुक पे डॉक्टर एच एस रावत में। अभी अभी मैंने जो मंत्र बोला वो मघा नक्षत्र का था, वेद मंत्र मघा नक्षत्र का। अगर आप 10,000 मंत्र इसके कर लेते हैं तो जो भ्रमण इसके ऊपर होता है किसी प्लेनेट का, उसका नुकसान नहीं होता। 35 दिन के लिए राजकुमार बुध मघा नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे, उसके बाद बकरी हो जाएंगे, 15 दिन के लिए आश्लेषा नक्षत्र पर आ जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, फिर आगे वो अगले समय तक फिर मघा नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे। तो आपको मैं जानकारी देता रहूंगा। ये बहुत डीप होता है नक्षत्र का फलादेश, इसमें आपको अपना नक्षत्र याद होना चाहिए, नक्षत्र के चरण भी अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 35 दिन का ये भविष्य फल है। बुध, राजकुमार बुध जब भ्रमण करता है तो हमारे शरीर के ऊपर ये 27 हिस्से हैं नक्षत्रों के, कौन कौन से हिस्से पर वो भ्रमण करता है तो क्या फल देता है मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अश्विनी नक्षत्र से आश्लेषा नक्षत्र, आज 9 नक्षत्रों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उसके बाद अगले एपिसोड में 9, फिर अगले एपिसोड में 9, क्योंकि एक एपिसोड में कम से कम आधा पौने घंटा का ये एपिसोड बनता है, जो आप लोग देख नहीं पाते, बोर हो जाते हैं, इसलिए 10 मिनट का एपिसोड सफिशेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र से अगर हम गिने और मघा नक्षत्र तक तो ये 10वां बनता है, क्या फल होगा मैं आपको बताऊं कि पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता लेकिन इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और 1 अगस्त से हमारी क्लास शुरू हो रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र से अगर आप मघा नक्षत्र तक करेंगे, मघा नक्षत्र पर गोचर बुध का है, अगर आपकी बुध की दशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है और गोचर में बुध आपके मघा नक्षत्र पर, और अगर आपका ही मघा नक्षत्र भी हुआ सपोज, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में ये फलादेश आपको बहुत एक्यूरेट फल देगा। और ये आपकी राशि के अनुरूप है और साथ में आपके जन्म नक्षत्र के अनुरूप है। अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी नक्षत्र से मघा नक्षत्र पर बुध का गोचर कैसा रहेगा, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष आश्लेषा मघा, 10वां बना। 10वां जो नक्षत्र है उसकी तारा बनेगी 1, जन्म की तारा बनती है। 10वां जो नक्षत्र है उसके ऊपर दोनों हाथों पर भ्रमण होता है, 7, 8, 9 और 10वें नक्षत्र पर अगर कोई भ्रमण करे तो हाथों पर भ्रमण होता है, दोनों हाथों पर, और यहां होता है अनर्थ, हाथों के माध्यम से कोई चीज का अनर्थ होना। इसका मतलब यह रहा कि अश्विनी नक्षत्र तो तारा के अंदर तो अच्छा है और भ्रमण के मामले में अनर्थ है, तो 50-50 हो गया, अच्छा है। भरणी नक्षत्र की 9वीं तारा है, 9वीं तारा वो भी बड़ी अच्छी है लेकिन भ्रमण के मामले में अनर्थ, आपको अपने हाथों से कुछ नुकसान हो जाना, पैसा दे दिया वापस नहीं आना, चेक काट दिया गलत काट दिया, अपने हाथ से कोई चीज़ खराब हो गई, नुकसान कर लिया, तो ये अनर्थ होता है। अपने हाथों से अनर्थ बोलते ना, हमारे हाथों से खुद ही अनर्थ हो गया, किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, कुछ हो जाना, तो ये अनर्थ आता है। कृतिका नक्षत्र 8वां बनता है, 8वीं तारा भी अच्छी है, इसका मतलब ये रहा कि ताराओं के मामले में अश्विनी भरणी कृतिका
तीनों अच्छे हैं, लेकिन अनर्थ करने से बचना। आपकी बुध की दशा, बुध 6-8 बारे में बैठा है और मघा नक्षत्र पर गोचर में बुध का भ्रमण चल रहा है, तो ध्यान रखना कोई आपको प्रवोक करे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, कोई आपको डिफेम करने की कोशिश करे, तो उससे बच के रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके हाथों से अनर्थ हो सकता है, उसकी हत्या तक हो सकती है, आप मार सकते हैं, दुर्घटना कर सकते हैं, तो बचाव करना है। रोहिणी नक्षत्र है सातवां, सातवीं तारा होती है बध और अनर्थ और बध, इसका मतलब ये वाला नक्षत्र बड़ा खराब है। आपकी बुध की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, गोचर में आपकी लगन से बुध का 6-8 बारे में भ्रमण है और आपके नक्षत्र मघा के ऊपर भी आपके आपके रोहिणी नक्षत्र से मघा नक्षत्र में भ्रमण सातवां बनता है। तो रोहिणी नक्षत्र वालों, आपको खास बुध का उपाय करना है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मंत्र बताया था ना, पितृभ्य स्वदायभ्य स्वधानमः, हैं, या इतना बड़ा नहीं कर सकते, ओम पितृभ्यो नमः, तो ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। मृगशिर नक्षत्र छठवां पड़ रहा है, चेहरे पर आता है ये और चेहरे पर लाभ आ रहा है, तारा भी छठी है, बहुत अच्छा है, तो मृगशिर नक्षत्र के लिए तो बहुत सुंदर है। आद्रा नक्षत्र पांचवां बन रहा है, पांचवीं तारा खराब होती है, लाभ भी है और खराब भी है, इसका मतलब आपके लिए मध्यम है, जैसे कि पहले मध्यम रहे तीन नक्षत्र। सबसे बुरा जो है वो रोहिणी नक्षत्र पे आ रहा है और उसके बाद में जो आद्रा नक्षत्र है वो पांचवा है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें लाभ भी है नुकसान भी है। पुनर्वसु नक्षत्र आपका चौथा आ रहा है, ये क्षेम कुशलम है, अच्छा है, तो ये नक्षत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पुनर्वसु और मृगशिर नक्षत्र दो धन के मामले में सबसे उत्तम है, धन कमाने के मामले में सबसे उत्तम दो नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र तीसरा बनता है, तारा विपत्ति बनेगी तीसरी, सिर पर भ्रमण है, शोक संताप दुख अशुभ समाचार। आश्लेषा नक्षत्र से तो दूसरा बनेगा और जन्म संपत्त तीसरी तो विपत्ति होती है। तो पुष्य नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र तो ऐसे हैं जिन पर तकलीफ है और दो नक्षत्र ऐसे हैं जो सुपर धनवान, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो मित्रों ये था आपका फलादेश, आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। दो नक्षत्र धन के मामले में टॉप, तीन नक्षत्रों को सावधानी, बाकी नक्षत्र मध्यम है। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार, और 1 तारीख को आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में वो संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरा एड्रेस नोट कर सकते हैं आप, ये मैं एड्रेस दे रहा हूँ आपको। हमारा मुंबई का पता है महर्षि परासर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, ग्ले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 4000056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811414156 और 9212296090, 9821114249 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योतिष सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811414156। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811414156।